64वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में अभिनेता अक्षय कुमार को रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नानावटी केस पर बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने नेवी ऑफिसर रुस्तम का किरदार निभाया था, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई थी। अक्षय कुमार को ये राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार मिल रहा है। इसे पाने के बाद वो काफी खुश हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो इस अवार्ड के लिए सभी को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं, खासकर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को। इस अवार्ड को अक्षय ने अपने परिवार को डेडिकेट करते हुए कहा, मैं इस अवार्ड को अपने माता पिता और परिवार को डेडिकेट करना चाहता हूँ, खासकर अपनी पत्नी जो मुझे हमेशा कहती थी कि अच्छा हुआ कि तुमने अवार्ड शो में जाना छोड़ दिया, क्योंकि कभी भी कुछ मिलता तो नहीं, खैर देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो आया। अक्षय के वीडियो को रीट्वीट करते हुए ट्विंकल ने लिखा, वैसे हमारी तरफ से भी अक्षय को इस अवार्ड के लिए ढेरों बधाइयां। इसके अलावा अक्षय की आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो वो हमें फिल्म 2.0, पैटमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। आनेस्ट रिपोर्ट।